ਸਭ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਸਾਣ ਹਾਂਜੀ अभी हम मौजूद हैं करेर वार्ड में, जहां जो भाजपा समर्थित जिला प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ मांगा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वो गांव-गांव में जाकर अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वे गांव-गांव में उतरे हैं और वे आने वाले समय में क्या विकास करवाएंगे। अभी हमारे साथ हैं राजेश मांगा जी, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, आपका आज टुडे में स्वागत है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ जी, जिसने मुझे इस योग्य समझा। आप 15 साल जो मोरसू सुल्तानी पंचायत के प्रधान भी रहे हैं, क्या इस तरह का विकास आप जिला परिषद में भी करवाएंगे क्या? मेरे पास 13 पंचायतें हैं, मेरी पंचायत में पहले ही बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं, मैं सभी को पंचायतों में बराबर बराबर काम करवाऊँगा। आपका जो चुनाव चिन्ह है, क्या अपील करते हैं आप वोटर से? मेरा चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज। मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि मुझे भारी से भारी बहुमत से जिताएं। हमारे साथ जो है, उनके साथ कंपेनिंग में कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे जो राजेश मांगा के लिए वोट का प्रचार कर रहे हैं, क्या जनता के बीच में किस तरह के मुद्दों को लेकर जो है उतर रहे हैं। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है, क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार कर रहे हैं? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया इधर, और राजेश कुमार मांगा का निशान है तीसरे नंबर पे, हम मांग रहे हैं तीसरे नंबर पे बल्लेबाज निशान है इनका, उस पे हम बोल रहे हैं इसके ऊपर मोहर लगाना है। इनका कहना है कि जो राजेश कुमार जी जो 15 सालों से मोरसू सुल्तानी पंचायत के प्रधान भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी विकास वहाँ पे करवाया है, और इसी तरह अगर जिला परिषद में ये चुनकर आते हैं तो 13 पंचायतों में ये बहुत अच्छा विकास करवाएंगे। बाकी इन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विकास जो है प्रदेश सरकार में हो रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लोग जो है लाभ ले रहे हैं, इसी के चलते वे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। एच टुडे के लिए हमीरपुर से अशोक राणा।